हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वीजीए जीनियस क्लासेस। माय सेल्फ वाईसी राठौर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10 सी क्लास 9th मैथ्स आरएस। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका। पी क्यू आर एंड एस आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए वी बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ क्वारिलेटर ए बी सी डी सो दैट। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या वो लिख लीजिएगा। देखिए इसमें गिवन है ए बी सी डी इज अ क्वारिलेटर, ए बी सी डी इज अ क्वारिलेटरल। और क्या गिवन है, पी क्यू R and S are the midpoints of AB, BC, CD, DA. ये गिवन है। P, Q, R and S are the midpoints of AB, AB, BC, CD and DA respectively. ठीक है ना, क्रम से ये इसके मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके रेस्पेक्टिवली। ओके अब इसके बाद प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लो। टू प्रूफ इसका फर्स्ट पार्ट है पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल हाफ ए सी। क्लियर। और सेकेंड है इसका पी क्यू पैरेलल एस आर। और थर्ड पार्ट है हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब आ जाइए प्रूफ फर्स्ट। क्या प्रूफ करना है देखिएगा, प्रूफ फर्स्ट। ठीक है ना, आपने एक थ्योरम पढ़ी है मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपका P इसका मिड पॉइंट है और Q इसका मिड पॉइंट है VC का, तो पी क्यू पैरेलल ए सी और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी होता है। ठीक है ना, तो लिखिए इफ P एंड Q आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, देन ए बी पैरेलल सॉरी पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल हाफ ए सी। ये तो हो गया फर्स्ट वाला, इसे डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, आगे लिख दीजिए फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम यानी एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद आते हैं सेकंड प्रूफ। सेकंड प्रूफ, अब सेकंड प्रूफ में क्या होगा, इफ इफ एस एंड आर आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ एस एंड आर आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी, ए डी एंड सी डी, सी डी रेस्पेक्टिवली ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। देन अगर ये इसके मिड पॉइंट्स है तो क्या हो जाएगा, एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल एस आर पैरेलल ए सी एंड SR इक्वल हाफ ए सी। क्लियर। अब देखिए जब पी क्यू ए सी के पैरेलल है और एस आर ए सी के पैरेलल है, तो पी क्यू एस आर दोनों पैरेलल हो जाएंगे ना, तो क्या कराएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा,
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर, ये निकला है हमारा सेकेंड, ठीक है ना। एंड और देखिए अब क्या करेंगे, कोई एक पेयर अगर पैरेलल और इक्वल हो जाता तो भी वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना। एंड अब थर्ड प्रूफ में देख लीजिएगा, इसका थर्ड प्रूफ अब क्या करेंगे, अब देखो फ्रॉम अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए ये दोनों तो पैरेलल हो गए तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो एस आर इक्वल हाफ ए सी, पी क्यू इक्वल हाफ ए सी, तो क्या हो जाएगा पी क्यू इक्वल एस आर इक्वल हाफ ए सी, ठीक है ना। तो जब पी क्यू एस आर इक्वल हो गए एंड पी क्यू पैरेलल एस आर है, सेकेंड प्रूफ में भी निकाला है, तो क्या हो जाएगा, दस पी क्यू आर एस जे इज अ पैरेललोग्राम, जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल या और इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इक्वल भी है तो 100% ये क्या होगा, पहले लोग आऊंगा। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट।